आजकल दुनिया भर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ टेक्नोलॉजी सेक्टर में देखी जा रही है और यही कहानी पाकिस्तान की भी है। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के टेक्नोलॉजी सेक्टर पर। गुज़िश्ता कुछ सालों में ये सेक्टर काफ़ी ग्रो हुआ है, हालांकि तो ग्रोथ इतनी तेज़ नहीं रही। अगर हम पिछले 5 साल पे देखें तो आईटी एक्सपोर्ट्स 19% के कैगर पे ग्रो की हैं और ग्रो होकर 2.6 बिलियन डॉलर्स पे आ गई पिछले साल। ग्लोबली और रीजनली ये नंबर काफ़ी कम है, जिससे साफ जाहिर होता है कि इस सेक्टर को ग्रो करने के लिए स्पेस काफ़ी दस्तयाब है। सेक्टर में एक मेन प्लेयर सिस्टम्स लिमिटेड है, जिसकी टोटल वर्कफोर्स 6,500 से ज़्यादा है और कंपनी ऑटोमेशन और इंटेलिजेंस थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग, BPO, कॉल सेंटर और ख़ास तौर पर फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड प्रोडक्ट्स और रिलेटेड सर्विसेज के थ्रू एग्जीक्यूट करता है। सिस्टम्स का मेन फोकस बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस इंडस्ट्री की तरफ है, जो कि उनके टोटल रेवेन्यू का तकरीबन 30% का शेयर रखता है। ज्योग्राफिकली इनका मेन रेवेन्यू डिराइव होता था US और यूरोप से, जो कि वहाँ पर रिसेशनरी प्रेशर्स की वजह से वक्ती तौर पर गिर गया। दूसरी तरफ मिडल ईस्ट और अफ्रीका के जो रीजन है वो उभर के आया है, जो तकरीबन 40-50% शेयर रखता है टोटल रेवेन्यू में, और NDC टेक की लास्ट ईयर एक्विजिशन के बाद ये काफ़ी फ्यूल हुआ है। ओवरऑल सिस्टम्स के रेवेन्यूज पिछले 5 साल में +50% के कैगर पे ग्रो हुए हैं, जो कि कैलेंडर ईयर 2022 में डॉलराइज टर्म्स में तकरीबन $155 मिलियन बनता है, और हम ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अपनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ स्टोरी को बरकरार रखेगा। फर्दर कंपनी के टोटल रेवेन्यूज में +80% फॉरेन करेंसी में है और दूसरी तरफ तकरीबन 60% कॉस्ट लोकल करेंसी के अंदर है, जो एक नेचुरल हेज भी प्रोवाइड करता है PKR US डॉलर पैरिटी में। लिस्टेड स्पेस में हमारे पास और भी अच्छी कंपनीज हैं, जैसे नेटसॉल है, इवेंसियन, TRG और जैसे अभी रिसेंटली लिस्ट हुई भी सिमेट्रिक ग्रुप है। ये सारी कंपनीज IT सर्विसेज और डिजिटल टेक्नोलॉजी की स्पेस में ही काम कर रही हैं, उनका मेन फोकस एक्सपोर्ट अर्निंग्स की तरफ है। जाहिर होता है कि टेक स्पेस में बहुत पोटेंशियल है, जो देखा जा सकता है कि दुनिया जिस तेज़ी से फिनटेक, एडटेक और दीगर टेक ड्रिवन स्टार्टअप्स की तरफ मूव कर रही है, उसमें पाकिस्तान एक एडवांटेज पे है, जहाँ पे कॉस्ट ऑफ सर्विसेज लो हैं और टैलेंट भरा पड़ा है। हमारी हुकूमत कोशिशों में रहती है कि इस सेक्टर को बूस्ट किया जाए, और केयरटेकर IT मिनिस्टर ने कहा है कि $10 बिलियन सालाना एक्सपोर्ट का टारगेट अचीवेबल है, जिसके लिए एक रोड मैप तैयार किया है। For more informative videos like this, please follow us on our social media handles.